हाईकोर्ट बेंच दाबी जे पश्चिम ओडिशारे हाईकोर्ट को बेंच प्रतिष्ठा दाबी करिबा पई किभळी भाबरे मुख्यमंत्री को भेटिचंती संबलपुर बार एसोसिएशन से संपर्क रे आलोचना करिबा आज राज्य सचिवालय रे मुख्यमंत्री को भेटिचंती संबलपुर बार एसोसिएशन पश्चिमबंग ओडिशारे हाईकोर्ट को बेंच प्रतिष्ठा पई सेमाने दाबी जणैचंती एही प्रतिनिधि माने मुख्यमंत्री को भेटिबा परे मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी कहिचंती जे उभय केन्द्र एवं राज्य एही दाबी ने सेमानक टाळटुळ नीति न रखंतु राज्य एक आईन विशारद टीम केन्द्र आईन मंत्री को भेटंतु तबे ए दिगरे राज्य सरकार सकारात्मक पदक्षेप सबुठ बड़ कथा जे हाईकोर्ट को बेंच दाबी नहीं वर्तमान जोर धरी चर्चा हाईकोर्ट को स्थायी बेंच दाबी पाई चर्चा निहाती भाव सृष्टि तबे मुख्यमंत्री को एने प्रतिनिधि भेटिचंती संबलपुर बार एसोसिएशन रो प्रतिनिधि माने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ए प्रसंग रे भेटिचंती टाळटुळ नीति छाड़ीबा को सेमाने दाबी करचंती जे ए प्रसंग रे केन्द्र एवं राज्य सरकार जे भली भाव रे टाळटुळ नीति ग्रहण करुचंती सेति पई से प्रतिनिधि माने जणाइचंती जे एहा कुने कोनोसी प्रकार टाळटुळ नीति न ग्रहण करी किभली भाव रे बेंच प्रतिष्ठा करा जाई परिबो से दिगरे तत्परता देखेबा आवश्यक तबे एने अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन लाइन वर्तमान जोड़ी जाइए आम प्रतिनिधि सुकांत राउत राय सुकांत मुख्यमंत्री को भेटा पर कौन प्रतिक्रिया आसूचे प्रसंग को सुकांत बोध हुए आपण सहित ठीक भाव में जोगाजोग पुणे अनुरोध करी पीसीआर टीम को सहित जोगाजोग करने कि सचिवालय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भेटिंट संबलपुर बार एसोसिएशन वरिष्ठ सामाजिक शीतलतर बेउरिया आम सहित लगातार भाव में स्टूडियो उपस्थित रही श्रीयुक्त बेउरिया ए पूरा प्रसंग को देखा पर जितेबाला प्रतिनिधि दल मैंने आज जाऊँगी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भेटुंट तेज आप कौन ए प्रसंग प्रतिक्रिया रखे देखो ये प्रसंग गोटे भेरी ट्रिकी सब्जेक्ट आते शीघ्र यार समाधान करना फॉर एग्जांपल धर भी स्टेट गवर्नमेंट बर्तमान आक्सेप्ट करदेला जे आम बेंच प्रतिष्ठा करू संबलपुर मैंने वेस्टर्न ओडिशा तेणु सदर्न ओडिशा वाला बर्तमान डिमांड करेंगे से कौन हम तर भी जस्ट डिमांड अच्छे से दूर साउथ ओडिशा डिस्ट्रिक्ट गुड़ा भी कटक रु बहुत दूर सेमती बर्तमान भुवनेश्वर बार एसोसिएशन डिमांड कर जे जेहेतु कैपिटल एटी भी गोटे बेंच प्रतिष्ठा कराओ अलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी हाईकोर्ट अलाहाबाद जो अच्छी तार गोटे बेंच अच्छी लखनऊ तेणु सेटा डिमांड कराओ धर भी स्टेट सब करकमेंड कला सेंट्रल गवर्नमेंट भी इट विल बी डिफिकल्ट इन द सेंस अन्य सब बहुत स्टेट रे भी एमती बेंच प्रतिष्ठापाई दाबी रही तेणु जदि करे समस्त करेंगे तेणु मुझ सब भाजे इट्स ए भेरी ट्रिकी सब्जेक्ट एटा एत शीघ्र एटा हो मत कहीं लगुनी ए समय दरकार आ सब स्टेक होल्डर्स माने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट्स आप हाईकोर्ट रेकमेंडेशन दरकार परहाप्स बोधे मोर एत ज्ञान ना कि मोर गोटे धारणा सुप्रीम कोर्ट रो भी कनसर्न दरकार तो तेणु ए सब सब स्टेक होल्डर एकाठी बसिकी जा किसी डिसीजन ना नॉट ओनली फॉर दिस विदिन द स्टेट जहाँ सब अन्य डिमांड अच्छी ताकू भी कनसीडर को नाक पड़ो प्लस आप अन्य स्टेट गुड़ाक जो सब डिमांड सिमिलर डिमांड आसू भी नाक पड़ो तेणु एटा बहुत गोटे ट्रिकी सब्जेक्ट आते शीघ्र यार समाधान हम मत कहीं लगुनि आपण कौन देखुचंती समस्या कौन कहीं उभय केन्द्र एवं राज्य सरकार एने टाळटुळ नीति अवलंबन कर प्रकृत कारण कौन रही देखो समस्या हूँ सब बड़ समस्या हूँ जब जनकर आक्सेप्ट करेंगे डिमांड तेल अं आड़ भी डिमांड आसो आगुरा भी जस्ट डिमांड तार गोटे छोट उदाहरण दे बर्तमान सदर्न ओडिशा रे भी जो डिस्ट्रिक्ट रही सेठिकार भी सेमाने भी डिमांड करेंगे जो आम ये गोटे बेंच प्रतिष्ठा हो कहीं आम कटक जमी वेस्टर्न ओडिशा कहीं डिमांड करना वेस्टर्न ओडिशा से भावुंटे एटा कटक टू बहुत दूर से अच्छी तेणु ये गोटे बेंच आम लोक असुविधा हो कटक पर्यटन जावाई तेणु से गोटे बेंच प्रतिष्ठा कराओ एक्जाक्टली सेमती बर्तमान सदर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट सब कहे कोरापुट रायगड़ा वगैरह मलकानगिरी आमर भी गोटे एठी साउथ ओडिशा गोटे बेंच प्रतिष्ठा करा जाओ सेमती नॉर्थ ओडिशा रे मयूरभंज केउंझर से सब कह आमर भी गोटे बेंच प्रतिष्ठा करा जाओ तापर पुणी ओडिशा रे आपण देखिबे जो भुवनेश्वर बार एसोसिएशन आगरु भी रिजोल्यूशन चाहिए प्रसंग में अपडेट नापान फोन लाइन में जोड़े जाइए आम प्रतिनिधि सुकांत राउत राय सुकांत जिते प्रतिनिधि मैंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भेटिले कौन प्रतिक्रिया आसूचे प्रसंग को ना देखो प्रतिनिधि मंडल जो भेट सर स्पष्ट भाव में कही बास्तव में आपको नहीं टाळटुळ नीति न कराऊ उभय केन्द्र और राज्य मिसिकी एक निष्पत्ति ठोस निष्पत्ति
ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଲିଗାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ନ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ସେ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଏକ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ହେଇସାରିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ହେବ ତା ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ, ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି, ସେପଟେ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମୁଦ୍ଦା ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏଇ କେସ୍ରେ ଯେ ଆନ୍ତରିକତା ବାସ୍ତବରେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ କି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚାପ ପକେଇବ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ଚିହ୍ନଟ ହେଲାନି, ତାକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ବିବାଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅନେକ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ବୟାନବାଜି ଆସୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରୂପରେଖ ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ବାର ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ନେଇ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି।